जिनका मंदिर बनने वाला है, प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में, हम उनके लिए, उस मंदिर के लिए अपनी भावना संकलित कर रहे हैं, अर्थ संकलित कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस जैसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं। हम तो जन जन की भावनाओं को संकलित करके, उनका सहयोग, उनकी भावनाओं को इकट्ठा करके और राम मंदिर बनाने वाले हैं। उसके लिए हम धन संग्रह करने के लिए गए और इन लोगों ने जिस प्रकार से उपद्रवियों ने, विधर्मियों ने, जो कलुषित मानसिकता रखते हुए और हमारे इस कार्यक्रम का विरोध किया है, उनके लिए कठोर कानून बनना ही चाहिए, नहीं तो ये पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये कानून में स्थिरता रहती है या नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि देश में विघटनकारी शक्तियां प्रबल होंगी और ये देश को नुकसान होगा। इसलिए ऐसे उपद्रवियों के लिए, विधर्मियों के लिए कानून बनना ही चाहिए।